तो गाइस हम आप लोग को बता दें कि हम बहुत दिन के बाद आज ब्लॉग बना रहे हैं, कम से कम 6 दिन के बाद ब्लॉग बना रहे हैं। तो कारण ये था कि देखो, विसर्जन से आने के बाद थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। उस दिन हम तालाब में गिर गए थे, जब हम विसर्जन करने के लिए जा रहे थे तालाब में, तो मेरा पैर फिसल गया और हम तालाब में गिर गए। तो हेलो गाइस, सबको गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम आए हैं सुमित लोग का घर का बाहर तरफ में है, और इधर मेरे पीछे खेत है, खेत नहीं बोल सकते, पर अभी घर बन गया उस समय। तो इधर हम आए थे कुछ काम से, तो हम सोचे चलो ये सब ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, तो आप लोग को पता ही आज क्या है। तो आज गांधी जी का थोड़ा याद कर लो, और गांधी जयंती का सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे तो हम लोग रोज़ सुबह जब उठते हैं तो अगर हाथ में पैसा है तो गांधी जी को ही देखते हैं सबसे पहले। भगवान को जितना नहीं देखते उतना गांधी जी को देखते हैं। तो आज गांधी जी को याद करने का दिन है, याद जरूर कर लेना, हम भी कर लिए सुबह उठते साथ। हमको तो कल से पता था, मतलब हमको बहुत पहले से पता था। और गाइस चलेंगे हम लोग अभी घर, और अभी बज रहे हैं, हाँ 10:15 तो हो ही गया होगा। और गाइस अभी तक हम ना मुंह धोए हैं ना नाश्ता किया है, क्योंकि हम खुद 9:30 उठे थे। उसके बाद 9:30 उठ के घर गए, घर जाने के बाद थोड़ा लेटे हुए थे, तो मेरे एक बड़े पापा है वो हमको कुछ काम से इधर बुलाए, तो हम इधर आके कुछ लग गए, फिर इधर फिर ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर लिया जब काम ख़त्म हो गया। तो गाइस हम आप लोग को बता दें कि हम बहुत दिन के बाद आज ब्लॉग बना रहे हैं, कम से कम 6 दिन के बाद ब्लॉग बना रहे हैं। तो कारण ये था कि देखो, विसर्जन से आने के बाद थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। उस दिन हम तालाब में गिर गए थे, जब हम विसर्जन करने के लिए जा रहे थे तालाब में, तो मेरा पैर फिसल गया और हम तालाब में गिर गए थे। ये सब मेरा कुछ साथ हुआ था, और विसर्जन में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोग पूरा नाचे, लेकिन थोड़ा जनरेटर का पाइप थोड़ा फट गया था, तो इसीलिए जनरेटर का थोड़ा दिक्कत आया था, बाकी सब ठीक हुआ। जनरेटर बाद में हम लोग बना लिया, ठीक हो गया सब कुछ। और उसके बाद पूरा नाश्ते गए और विसर्जन किए पहली बार शिव मंदिर में, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। और गाइस जानते हो, कल हम लोग घर में दुर्गा पूजा का चंदा काटने के लिए आया था, जो कि हम लोग शिव मंदिर में होता है। और उतना ही नहीं, हम लोग का यहाँ पर पूरा मतलब बारीगोड़ा तरफ भी होता है सब, हम लोग का यहाँ पूरा दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से होता है, सब जगह होता है। बारीगोड़ा उधर है, आप लोग को दिख रहा है ना, बारीगोड़ा उधर है, उधर होता है, बावनगोड़ा में होता है, और सुपुरा में होता है, तो बहुत जगह होता है। आदित्यपुर में होता है बड़ा वाला, पूरा धूमधाम से जहाँ बहुत अच्छा से किया जाता है, वो आदित्यपुर में अच्छा से पंडाल बनाता है, और बहुत सा जगह है। तो आप लोग को बाद में हम घुमाएंगे कभी भी। तो अभी पंडाल बनना स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले आप लोग को बारीगोड़ा का दिखाएंगे, जब भी हमको टाइम तो मेरे पास रहता ही है, तो जब आधा कंप्लीट हो जाएगा तब हम आप लोग को दिखा देंगे, ठीक है। तो चलो अभी घर चलते हैं, अभी सबसे पहले मुंह धोना है, उसके बाद नाश्ता करना है। नाश्ता में आज बनने वाला है चाउमीन, जब भी हम ब्लॉग बनाते हैं तो घर में चाउमीन नाश्ता बनता है, तो आज चाउमीन नाश्ता बन रहा है। चलो चलते हैं घर। ऐसा कोई इधर गाइस पीहू है मेरे मामा घर में, छोटी छोटी लोग सब लोग हैं। हेलो, मैं हूं गाइस, वाह रे वाह, मैं हूं गाइस। चाचा आ गया, चाचा आ गया, चाचा पापा बोल रही हूं, चाचा हाय काटा के फोन कर दे। हेलो गाइस, हेलो गाइस, मैं हूं चाटी और ये है सालुया। अरे कर भाई, तो गाइस अभी पीयू चाचा दादू बोल रहे सब सीखे ही, उसका पापा को पापा बोलती है कभी कभी, ज्यादातर चाचा बोलते रहती है, कभी चाचा बोल रही है, दादू बोलती है चाचू को, चाचा बोलती है। और मैं जू देखने वाली ब्लू कॉर्न, ब्लू कॉर्न चलो अभी घर चलते हैं, बाय बाय पियो, बाय बाय कर दो, बाय कर दो पियो, बाय बाय गाइस, बाय गाइस, घर आना खेल के पियो, बाय बाय।
तो ये देखो गाइस मेरा चौमिन नाश्ता। तो गाइस सप्लाई पानी आया हुआ था तो हम नहा भी लिए और अभी करने वाले हैं नाश्ता। तो नाश्ता करने के बाद हमको थोड़ा सा कुछ काम है, मेरे को अभिषेक का बड़े पापा थोड़ा बुलाए हैं उनका ब्लूटूथ ठीक करने के लिए, उनका ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो वही सब कनेक्ट करने के लिए जाएंगे। तो फिर नाश्ता कर लेते हैं और हमको बोले थे एक घंटा बाद आ जाना, तो जैसे हम नहाने जा रहे थे वैसे ही हमको बुलाए, फिर अभी तो नहा लिए हैं, नाश्ता करके जाते हैं उसके पास और देखते हैं उनका ब्लूटूथ। अभी पानी वाला मौसम बनाया था, अभी हल्का हल्का धूप है, अच्छा ही है, कपड़ा सूखेगा। तो चलो नाश्ता करते हैं और हम लोग की पीहू मामा घर में ही है, आई थी नाश्ता अभी कुछ खाई और चले गई वापस मामा घर। मेरी मम्मी शायद बाथरूम गई है और हाँ बताए थे शिव मंदिर वाले आए थे सिर देने के लिए, मतलब चंदा काटने के लिए दुर्गा पूजा का। तो गाइस सभी आ चुके हैं अभिषेक के बड़े भाई लोग के घर पे, खिड़की के बाहर है पिताजी। तो इनका जो है ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है तो वही करने के लाए हैं, तो उनका वगैरह फोन से करना है, छोटा फोन से कीपैड वाला में करना है, पहले होता था कनेक्ट अभी तो नहीं हो रहा कनेक्ट, तो चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। हमको लगता है पहले रिमूव करेंगे तो हो जाएगा, चलो देखते हैं ब्लूटूथ को रिमूव करेंगे और उनका डिवाइस को उसके बाद करने से हो जाएगा, करके देखते हैं। ऑन कर रहे हैं, हाँ करिए। पावर ऑन, यू प्लग्ड इनटू निर्वाना, योर डिवाइस इज रेडी। तो इनका गाइस प्रॉब्लम क्या रहा जानते हो, इनका जब कनेक्ट कर रहे हैं ना ब्लूटूथ तो इसमें पासवर्ड मांग रहा है, फ़ोन में कनेक्ट करने के लिए भी पासवर्ड मांग रहा है ब्लूटूथ का, जैसे तुम पहली बार देखे तो यहाँ पे तो पासवर्ड दिखा रहा है, चलो उसी को देखते हैं करके होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा। तो गाइस इनका ब्लूटूथ से कनेक्ट तो नहीं हुआ लेकिन जैक से कनेक्ट हो रहा है, अभी उनका जैक से बजा रहे हैं। तो ब्लूटूथ में पासवर्ड मांग रहा था तो मेरा फ़ोन से भी करे थे तो आराम से मेरा फ़ोन में आराम से कनेक्ट हो जा रहा था लेकिन इनका फ़ोन में कनेक्ट नहीं हो रहा था, फिर इसको जेक दे दिए हैं तो अभी जेक खरीदने में जाएंगे हम लोग। पाकिस्तान का गाना बज रहा है, बजाते रहिए। इधर हम लोग की पीहू चल रही है। हेलो पीहू, चलो। तो उनका ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा था, उनका पासवर्ड मांग रहा था कनेक्ट करने में, तो हम उनको बोले कि वो नहीं हो रहा तो फिर जेक से आप बचेगा, तो फिर हम अपना घर से जेक ला दिए, मेरे घर में जेक था तो अभी वो जेक खरीदेंगे, उनको बजाना है कैसे कैसे करके। उनके पास छोटा फ़ोन है उसमें पासवर्ड मांग रहा है, पहली बार सुने कि ब्लूटूथ में पासवर्ड मांगता है कनेक्ट करने के लिए। पीहू को देखा, तो दादी के साथ पूरा अच्छा तुझे। गाइस अभिषेक के पापा के लिए ऑक्सेबल खरीदने गए हुए थे तो खरीद लिए और घर आ गए और अभी टाइम हो गया है 12, मतलब 12 बज रहा है अभी और अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, अभी खाना खाएंगे। मम्मी खाना निकाल दो, तो अभी खाना खाएंगे गाइस और आज का ब्लॉग यहीं एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगला ब्लॉग जो होने वाला है आप लोग को दुर्गा पूजा का पंडाल दिखाएंगे हम लोग का यहाँ का, अभी बनने स्टार्ट हुआ है तो 2-3 दिन रुक जाना आप लोग, उसके बाद हम अच्छा से ब्लॉग बनाएंगे जितना भी आसपास का है, हम लोग का जहाँ जहाँ दुर्गा पूजा का पंडाल बन रहा है सब जगह जा जा के घूम घूम के वीडियो लेना है और डाल देना है। तो ठीक है, वही वाला आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा, तो अभी मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।